हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल अगेन। दोस्तों, आज मैं आपके लेके आई हूँ एक बहुत ही शानदार सी टिप। ये टिप बहुत खास है और मेरी तो बहुत ही फेवरेट है, क्योंकि जब भी मुझे किसी पार्टी में जाना होता है, टाइम बहुत कम है, नो टाइम फॉर पार्लर, तो मैं हमेशा इसी को ट्राई करती हूँ। ये मिनटों में बन भी जाती है और मेरी स्किन को ये फ्लॉलेस बना देती है और बहुत ही ज्यादा ग्लो मुझे प्रोवाइड करती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस शानदार टिप के साथ। लेकिन उससे पहले, अगर आपको हमारी वीडियोस जरा से भी पसंद आती हैं, तो प्लीज आप हमें लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें बहुत सपोर्ट प्रोवाइड होता है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस टिप के इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है चावल यानी कि राइस फ्लोर, उसके बाद टर्मरिक यानी कि हल्दी, ये है नींबू, देन यहाँ पर मैंने लिया है ग्लिसरीन, एंड फाइनली मेरे पास है आज की टिप का सबसे पावरफुल एजेंट, दैट इज नेस्कैफे कॉफी। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप नेस्कैफे लें, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं जनरली ये यूज करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक चम्मच के करीब चावल का ये फ्लोर यानी कि चावल का आटा। और ये जो चावल का आटा है बहुत ही खास है फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमें पिंपल, एक्नेस, इन सब से बचाता है, और उसके बाद जो उसके जिद्दी मार्क्स रह जाते हैं, ये हमें उससे ही बचाता है फ्रेंड्स। तो ये तो बहुत ही एक्सीलेंट एजेंट है, बहुत ही गजब का फ्रेंड्स। साथ ही साथ ये जो इंग्रेडिएंट है, माई स्किन को लाइटनिंग, व्हाइटनिंग, टाइटनिंग, मतलब में जिसके इतने फायदे हैं कि आप गिन भी नहीं पाएंगे, बहुत सारे। तो आप इसको अपनी जो भी ब्यूटी टिप्स होते हैं उसमें जरूर ऐड किया कीजिए फ्रेंड्स। अब इस नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है कॉफी। तो मैंने हाफ टी स्पून ले ली है, और कॉफी फ्रेंड्स हमें इंस्टेंट ब्राइटनिंग प्रोवाइड करती है, और ये जो कॉफी है ये हमारी टैनिंग को बिल्कुल खत्म कर देती है फ्रेंड्स। चाहे वो कितनी जिद्दी क्यों ना हो, कॉफी के सामने वो कुछ नहीं। और साथ ही साथ इसमें विटामिन B3 भी होता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये जो कॉफी है ये आपके डार्क सर्कल्स को भी प्रॉपरली रिमूव करता है, पिंपल्स, एक्ने, सब कुछ इसको टैकल कर सकता है आराम से, और आपको देगा ये ग्लोइंग फ्लॉलेस स्किन। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने तो हाफ टी स्पून लिया, लेकिन अगर आपको टैनिंग थोड़ी ज्यादा है या फिर आपको फुल बॉडी अप्लाई करना है, तो आप अकॉर्डिंगली इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट लूंगी बहुत ही पावरफुल एजेंट है, जो कि हल्दी। ये तो आपको पता है, हम अपनी दादी नानी से सुनते आ रहे हैं कि कोई भी ब्यूटी की कोई भी टिप होती है वो हल्दी के बगैर तो टोटली इनकम्प्लीट है। तो आपको एक पिंच हल्दी जरूर ऐड करनी है अपनी इस टिप में, और ये आपको जो भी जितनी भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है सबसे छुटकारा दिला देता है फ्रेंड्स। बिलीव मी, आप हल्दी को, जैसे कि आप जानते हैं हम उपटन में भी इस्तेमाल करते हैं, और कई सारे लोग आजकल हल्दी के सोप की तरफ भी स्विच हो रहे हैं, तो आप इस सारी चीजें ट्राई कीजिए और आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एंड नो डाउट फ्रेंड्स, हमें पता है कि हल्दी एक बहुत ही अच्छा एंटी बैक्टीरियल है, और इसमें लॉन्ग लास्टिंग नेचुरल हीलिंग प्रॉपर्टीज भी होती है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ, जो कि है नन अदर देन नींबू। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं लेमन, और आपको पता है कि ये तो सुपर एक्सफोलिएटिंग एजेंट होता है, यानी कि आप अगर इसको डाल दीजिए, आपको पता है ना कि वो बर्तन की चमक कैसे वापस आ जाती है, वो विम लगाती है, विम में भी नींबू होता है, तो वैसे ही हमारी फेस को दोबारा से ब्राइट करने के लिए नींबू से बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ 2 to 3 इसके ड्रॉप्स ले रहे हैं। आप अगर ज्यादा ले तो आप 5 ड्रॉप्स ले सकते हैं। तो मैं इसको ऐड कर देती हूँ, और नींबू तो बहुत ही ज्यादा अच्छा एजेंट है, आपको फ्लॉलेस, ब्राइट, लाइट स्किन प्रोवाइड करने में बहुत ही मदद करेगा। तो दोस्तों, ये जो मेरा नेक्स्ट एजेंट है ये है ग्लिसरीन, और हमें पता है कि ग्लिसरीन हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करने में, हाइड्रेट करने में बहुत ही अच्छा रोल अदा करता है। अब जैसे मैं पता है कि नींबू तो बहुत अच्छा है, बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसकी जो स्किन है इसको ड्राई कर देता है, तो अगर इसकी ड्राई स्किन है तो हो सकता है उसको इतना सूट ना करे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ ऐड कर देंगे ग्लिसरीन, जिससे कि ये हर स्किन के लिए जो पैक है बिल्कुल बेस्ट बन जाए। तो देखिए आप, अगर आपको सपोज आपको फुल बॉडी अप्लाई करना है तो आप इसको थोड़ा ज्यादा रेशो में ले सकते हैं, अदरवाइज ये मैंने लिया है इसमें कुछ ये अराउंड 3 to 4 होगा, तो मैंने इसको ऐड कर दिया है 3 to 4 ड्रॉप्स। और अगर आप ज्यादा अप्लाई करें तो जैसा मैंने बताया आप उसको उसी रेशियो में लें। और गाइस, इस टिप्स की सबसे अच्छी बात तो ये है, अगर आपने नोटिस किया हो कि जो जितनी भी रेसिपीज हमने यहाँ यूज की हैं वो सारी की सारी घर पर इजीली अवेलेबल है, आपको कुछ भी मार्केट से खरीद के नहीं लाना। और जो ग्लिसरीन है, ये जो अभी मैंने लास्ट में ऐड किया, ये हमें बहुत ही ज्यादा मॉइस्चराइज कर देता है स्किन को, तो सर्दियों में तो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स। अब लास्ट में इसमें ऐड करने वाली नॉर्मल वाटर, ना ठंडा ना गर्म, ये बिल्कुल सादा पानी है,
आप इसे ऐड कर लें। और देखिए फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ना ही ज्यादा थिक और ना ही ज्यादा थिन। तो उसकी जो कंसिस्टेंसी है, ना पतली ना गाढ़ी, ऐसी होनी चाहिए। अभी हम लोग और पानी ऐड कर लेंगे, लेकिन एकदम से आपको ज्यादा पानी नहीं ऐड करना है, धीरे धीरे पानी ऐड करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपके भी पेस्ट की जो कंसिस्टेंसी है वो कुछ ऐसी होनी चाहिए। तो आप ये देखिए, ऐसा दिखेगा आपका पेस्ट कुछ। तो चलिए हम इसे अप्लाई करना शुरू करते हैं। अब देखिए आप फ्रेंड्स, मैं अपने हैंड पर इसे अप्लाई करूंगी, ये जो मैंने जो टिप आपको बताई है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे हैंड पर अभी बहुत सारी टैनिंग है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मुझे इसे यूज किए। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे अप्लाई करते हैं। यहां मैं इसको, इस पेस्ट को ले लूंगी और अपने हैंड पर मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। जहां पर भी आपको टैनिंग है आप वहां अप्लाई कीजिए। क्या आपको नेक पर टैनिंग है? क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोगों को नेक पर बहुत जल्दी टैनिंग हो जाती है, जो कि पार्लर में जाकर भी नहीं निकलती है। तो आप फ्रेंड्स मेरा बिलीव कीजिए और आप इसको घर पर बैठे ही उस टैनिंग से छुटकारा पा सकेंगे। अब जैसा कि फ्रेंड्स हमें पता है कि दिवाली टाइम है, करवा चौथ टाइम है, और क्योंकि ज्यादातर लेडीज जो है वो वर्किंग है, पार्लर जाना वो नहीं अफोर्ड कर पाती, टाइम भी वेस्ट होता है। तो आप इसे घर पर ही ट्राई कीजिए। आप मानिए फ्रेंड्स, चाहे आप पार्लर चले जाएं, लेकिन लास्ट में आप यही कहेंगे कि जो होमी टिप्स ने जो आपको टिप्स दिए ना, वो सबसे बेस्ट थे। तो आप इसे अप्लाई करें। आप फ्रेंड्स इसे अच्छे से फिंगर्स के बीच में, ये जो पोर्शन होते हैं हम ज्यादातर इग्नोर कर देते हैं, आप इसको ऐसे अच्छे से करिए। देखिए पार्लर में भी जब आप मैनिक्योर और पेडिक्योर करने जाते हैं तो इन एरियाज को बहुत फोकस करते हैं, राइट? आप भी ऐसे ही करें और ये अच्छे से अप्लाई करें। अब फ्रेंड्स मैं इसको अराउंड 15 मिनट्स के लिए मैं इसे छोड़ दूंगी, और अगर आपको थोड़ी सी टैनिंग और भी जिद्दी है तो आप अकॉर्डिंगली टाइम को बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपने हैंड को प्रॉपरली वॉश कर लिया है, पोंछ लिया है, और आप देख सकते हैं आपको जरूर फर्क महसूस हो रहा होगा। अब ये जो मेरा हैंड है, इसकी सारी टैनिंग निकल चुकी है, अब ये बहुत ही फ्लॉलेस ग्लोइंग हो गया है। आप इसे घर पर जरूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, और क्यों वेस्ट करने हमें पार्लर में 300-500 रुपीज? हम लोग इसे घर पर ऑलमोस्ट निल कॉस्ट पर, जीरो कॉस्ट पर हमें इसे कर सकते हैं, और वैसी ही ग्लो पा सकते हैं जो कि हमें पार्लर में भी नहीं मिलती है फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये मेरा टिप्स पसंद आया हो तो आप इसको जरूर ट्राई करें, और इस मिक्सचर को घर पर आप जरूर ही बनाकर देखें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। खुश रहें और अपने परिवार के साथ मस्त रहें।